एक्सीलेंस मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताना चाह रहा हूं, जिसके माध्यम से आप जो है वो सूरदास की जो रचनाएं हैं, करीब 5 रचनाएं मुख्य रचनाएं हैं, रचनाएं तो बहुत सारी हैं लेकिन 5 रचनाएं जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा वगैरह पूछी जाती है, तो आइए उनको ट्रिक के माध्यम से जो है वो किस प्रकार से हम जो है वो 1 मिनट में जो है वो उनको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से हम किस तरह से 1 मिनट में उनको तैयार कर सकते हैं। और आज सूरदास का नाम कोई नया नाम नहीं है, सभी लोग जानते हैं, तो उनकी कुछ विशेषता थी। जैसे सूरदास की जो है भाषा कौन थी आपकी, वो ब्रज भाषा थी, तो उनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा मिलती है। ब्रज भाषा एक बहुत मधुर भाषा है और श्री कृष्ण से उसका भाषा का जुड़ाव जो है वो विख्यात है। तो इनके जो रचनाओं के नायक जो मिलते हैं हमको, तो ये श्री कृष्ण मिलते हैं। और इन्होंने बहुत अच्छा श्रृंगार रस का प्रयोग किया है कि यहाँ तक कि लोग बाग शक करते हैं कि ये शायद अंधे नहीं थे, लेकिन जैसा कि इनका नाम था सूरदास तो ये सूरदास ही थे। और एक जो इनके रचनाओं की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है भक्ति एवं श्रृंगार रस का जो है वो एक अद्भुत मिश्रण मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, भक्ति एवं श्रृंगार रस का एक अद्भुत मिश्रण मिलता है। तो चलिए इनकी रचनाएं चलते हैं, इनकी रचनाओं पे आते हैं हम। रचनाएं पहले कौन कौन सी रचनाएं देख ले हम। पहली रचना इनकी सूरसागर, ठीक है, दूसरी रचना इनकी जो है वो सुरसा बली, दूसरी रचना क्या है सुरसा बली, तीसरी रचना क्या है इनकी साहित्य लहरी, देखिए है ना साहित्य लहरी, और चौथी महत्वपूर्ण रचना है नल दमयंती, नल दमयंती, और अगली रचना इनकी पांचवी रचना है ब्याह लोक। अब इन रचनाओं को हम किस तरह से, ये जो ट्रिक बता रहे हैं हम 1 मिनट में इसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं, तो चलिए ट्रिक ये है, हम एक वाक्य देखें, है ना, वाक्य बनाया हमने, वाक्य क्या बनाया, ये वाक्य बनाया हमने, ये वाक्य बना हुआ आपका, तो इसमें सूर सूर साहित्य में क्या वाक्य है, सूर सूर साहित्य में नल दमयंती को ब्याह लो, सूर सूर साहित्य में नल दमयंती को ब्याह लो। तो देखिए एक सूर से इनका परिवर्तन निकलती है, वो निकलती है आपकी सूर सागर, ठीक है, दूसरा सूर जो है उससे भी कचना नाम निकलती है, वो निकलती है सुरसा रावली, क्या निकलती है सुरसा रावली। और जैसे कि साहित्य के क्षेत्र में थे तो साहित्य में देखें तो साहित्य से कचना की निकलती है साहित्य लहरी। तो इस प्रकार से 3 रचनाएं हो गई सूर सूर साहित्य में। अगला बात क्या है, नल दमयंती, नल दमयंती, नल दमयंती को ब्याह लो, ठीक है, नल दमयंती को ब्याह लो, तो नल दमयंती स्वयं एक पुस्तक है, तो ये निकल रही है नल दमयंती पुस्तक निकल रही है, और का ये जो है वो साइलेंट है, और ब्याह लो है ना ब्याह लो, तो ये नल दमयंती इनकी काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें नल दमयंती जो है वो एक महिला पुरुष है जिनकी भगवान कृष्ण के प्रति जो है वो आस्था नहीं थी, तो उसी आस्था को जो है वो इस पुस्तक में लाने का सूरदास जी ने प्रयास किया है, और ये पुस्तक है इनकी ब्याह लो। तो भगवान से ये एक प्रकार से निवेदन टाइप का है कि ब्याह लो, ब्याह लो मतलब कि अपने आप को अपने से अलग मत करें बल्कि हमको जो है वो जोड़ लें। तो चलिए आपको ये ट्रिक कैसी लगी, आप अपना विचार दें, कमेंट करें, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये मेरा एजुकेशन चैनल है जिसमें आपका MP पुलिस, PSC, SI, NEET, नर्सिंग और सिविल जज ADPO के बारे में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, उनको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं RK सक्सेना आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, धन्यवाद।